मणिपुर उपद्रव में फंसे खंडवा के चार विद्यार्थी देर रात सकुशल अपने घर पहुंचे तो छात्रों के परिवार में खुशी की लहर दौड़ आई। इस मौके पर परिवार के लोगों ने प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा किया। देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर हिंसा में मध्य प्रदेश के 20 विद्यार्थियों के साथ ही खंडवा के चार छात्र फंसे थे जो कोलकाता से रात्रि 9 बजे इंदौर पहुंचे, जिसके बाद प्रशासन द्वारा सभी विद्यार्थियों को ट्रेन एवं बसों के माध्यम से अपने अपने घर की ओर रवाना किया गया। मणिपुर से लौटे बच्चों ने वहां की पहली तस्वीर को बयां किया और कहा कि कॉलेज टेम्पल्स के पास ही बमबारी और गोलियां चल रही थी। कॉलेज में भी तोड़फोड़ की गई। पास में जो स्टॉक करके खाना था वह भी लगभग खत्म हो चुका था। वहीं इस मौके पर परिवार के लोगों ने सरकार का और स्थानीय मीडिया का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। बच्चे वापस लौट आए तो अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है क्योंकि माहौल बड़ा दहशतगर्द था वहाँ पर। बच्चों ने जिस हिसाब से बताया कि अब खाना भी नहीं मिल रहा है, 3 दिन नहाए भी नहीं है और नेट सुविधा भी बंद हो गई थी, संपर्क भी टूटने लगा था और समाचारों में मीडिया में न्यूज़ चैनलों में देखकर मन में डर था। लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, राम नागौड़े जी ने लेटर लिखा, खासकर मीडिया वालों का बड़ा अच्छा प्रेम और अच्छा सहयोग मिला है जिसके कारण सरकार में जागरूकता हुई। मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया, पूरी व्यवस्थाएं की, आज बच्चे घर वापस आ गए हैं। हमारे बच्चे तो थे ही, अन्य भी प्रदेश के जो बच्चे थे, क्योंकि अन्य प्रदेश के बच्चे अगर नहीं निकलते तो अपन अपने बच्चों को निकालने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जो छोटे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट थे उन गवर्नमेंट ने जैसे ही निकालना शुरू किया तो बच्चों के मन में डर ज़्यादा फैल गया था कि अब कुछ भी हो सकता है कि आगे से राज्य वालों निकाल लिया, तब जाके निकालना पड़ा। आगे पढ़ाई का ध्यान रखा जाएगा, फिर जैसे ही माहौल शांत होगा तो इनको भेजा जाएगा अभी पढ़ने के लिए। हम लोग वहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मैं और शिवम राय, हमारा चल रहा है बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग। हम फुटबॉल में कोच की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर। वहाँ पर क्या बमबारी वगैरह चालू हो गई थी, वहाँ पर दो ट्राइबल्स के बीच में आपस में लड़ाई हो गई थी, कुकीज़ और मेथीज थे। इन लोगों के आपसी विवाद में वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो गया था वहाँ पर, तो बमबारी वगैरह सब चीज़ें चल रही थी, हमारे कैंपस के आजू बाजू भी हुआ, तो वहाँ की जो सरकार थी आसपास की, उन्होंने उनके बच्चे बुलाना चालू कर दिए थे। उस वजह से हमारे वहाँ के भी सब डर गए थे कि सब जब जा रहे हैं तो फिर हम लोग वहाँ पे कैसे रह ले। तो हमने पापा को कॉल करा था, तो पापा ने फिर आगे प्रक्रिया करी थी। मेरे पास राम नागौरे जी का फिर कॉल आया था, विधायक जो है पंधाना के, उनका कॉल आया था, तो उन्होंने फिर बोला कि आपके लिए मैंने सीएम को लेटर लिख दिया है, तो आपको भी वहाँ से जल्दी निकाल लिया जाएगा। फिर मेरे को अगले दिन सीएम साहब का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी मेरे से बात करी थी, उन्होंने भी यही बोला था कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग जितने भी हैं वहाँ पे आप वहाँ से आपको सबको निकाल लिया जाएगा। हमारे टोटल वहाँ पे एमपी के 13 जन थे, हम लोगों को वहाँ से सबको निकाला गया, टोटल वहाँ से हम लोग 24 जन आए हैं। मणिपुर बमबारी और गोलियों के बीच अपने घर वापस लौटे बच्चों को देख परिवार के लोग भी खुशी से झूम उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, खंडवा।